जरा सोचो अगर तुम अचानक से 13वीं सदी में पहुंच जाओ। कुछ ऐसा ही होता है जमाल के साथ। जमाल वॉकर एक आम इंसान है जो मेडिवल वर्ल्ड नाम के एक थीम पार्क में काम करता है। उस थीम पार्क की मालकिन को पार्क के भविष्य की चिंता हो रही थी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो घाटे में जा रहे हैं और ऊपर से जल्द ही पास में एक और थीम पार्क खुल जाएगा। अगर उन्होंने जल्द ही कोई नया आइडिया नहीं सोचा तो वो बैंक्रप्ट हो जाएंगे। शाम के समय जमाल को साफ सफाई का काम सौंपा गया। सफाई करते वक्त उसने पानी में एक चमकता हुआ प्राचीन पदक देखा। देखने में तो महंगा भी लग रहा था। उसे उठाने की कोशिश में जमाल पानी में गिर गया और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वो पार्क में था ही नहीं। उसे लगा कि शायद वो पास ही में खुलने वाले नए थीम पार्क कैसल वर्ल्ड में पहुंच गया, जबकि असलियत में उस प्राचीन पदक की शक्ति से वो 13वीं सदी के इंग्लैंड में पहुंच गया था। सबसे पहले उसे नॉल्ट नाम का एक शराबी मिला। हालांकि उसने पुराने समय के कपड़े पहने थे, पर जमाल को लगा कि यहाँ शायद लोग कॉस्ट्यूम पहनकर ही काम करते होंगे। वो भागता हुआ किले के पास पहुंचा। जब वो अंदर जाने लगा तो सैनिकों ने उसे रोककर पूछा कि वो कहाँ से आया है। नॉर्मंडी, जमाल ने जवाब दिया, लेकिन सैनिकों ने सोचा कि वो एक फ्रेंच मिनिस्टर है जो कुछ दिनों बाद वहां आने वाला था। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। किले के अंदर सभी लोगों को 13वीं सदी के कपड़े पहने देख वो थीम पार्क वालों से इम्प्रेस हो गया। उसे अब तक ये समझ नहीं आया था कि वो समय में पीछे आ चुका है। अचानक उसकी नजरें विक्टोरिया नाम की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। जब जमाल ने उससे बात करने की कोशिश की तो सेनापति पर्सिवल वहां आ धमका। वो अपनी ताकत और औहदे का गलत इस्तेमाल करता था। उसकी हरकतें तो ऐसी थी मानो वहां की सारी औरतें उसकी रखेल हों। जमाल को ये बात पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में कहा, बेटे ढंग से रह ले वरना मैनेजर से कंप्लेंट कर दूंगा तेरी। सेनापति ने अपनी तलवार बाहर निकाली, लेकिन जमाल को लगा कि ये तो नकली है, इससे क्या डरना। सेनापति के सामने उसकी बहादुरी देखकर सब इम्प्रेस हो गए। इसके बाद उसे राजा के सामने ले जाया गया। मालूम पड़ा कि राजा ने अपनी बेटी रजीना की शादी नॉर्मंडी के राजकुमार से तय कर रखी है। उन्हें लग रहा था कि जमाल नॉर्मंडी फ्रांस से आया है, जबकि वो तो अमेरिका की नॉर्मंडी से था। जब उससे पूछा गया कि राजकुमार वहां कब तक पहुंचेंगे, तो जमाल ने ऐसे ही कोई भी तारीख बोल दी। शाम को सभी लोगों के सामने एक गुनहगार का सर कलम किया जाना था। जमाल बहुत एक्साइटेड था ये सोचकर कि ये सब लोग तो थीम पार्क के भाड़े के एक्टर्स हैं। लेकिन जब उसने कटे हुए सर को पकड़ा तो समझ आया कि ये सब कोई नाटक नहीं है। उसे भयानक सदमा लगा और वो बिना कुछ कहे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब जमाल की आंखें खुली तो उसने अपने आप को विक्टोरिया के साथ एक कमरे में पाया। उसके प्राचीन पदक को देखकर विक्टोरिया को लगा कि वो भी उसी के लोगों में से एक है। उसने जमाल को अपना पदक दिखाया जो हूबहू उसके जैसा था। उसने बताया कि इस निशान को पहनने वाले लोग इस क्रूर राजा को हटाकर अपनी पुरानी रानी को फिर से सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जिसे राजा ने धोखे से हासिल किया है। जमाल ने उलझन भरी आवाज में विक्टोरिया से पूछा, दीदी ये डेट क्या है आज? जब उसे पता चला कि वो 13वीं सदी में पहुंच गया है तो वो पूरी तरह बौखला गया। वो अपने समय में वापस जाना चाहता था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि जाए कैसे। इसके बाद एक गार्ड वहां आया जिसने जमाल को घुड़सवारी के लिए नीचे चलने को कहा। उसे घुड़सवारी आती तो थी नहीं, तो घोड़े पर उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर सब लोगों का खूब मनोरंजन हुआ। राजा ने भी उसे देखकर खूब ठहाके लगाए और उसे रात को होने वाली पार्टी में भी बुलाया। रात को पार्टी में जमाल ने गोविंदा स्टाइल में क्या लटके झटके लगाए। जब सब लोग नाच रहे थे तो राजकुमारी रजीना ने उसे कोने में खींचकर पप्पी चिपका डाली। तभी पर्सिवल ने पीछे से आकर कहा कि राजकुमारी के साथ ऐसा कुछ करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। इतने में दो लोग हाथ में खंजर लिए राजा की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जमाल झूमर की रस्सी से झूलकर सीधा राजा के ऊपर कूदा। तुक्के से ही सही, पर उसने राजा की जान बचा ली। कुछ देर बाद राजा ने पर्सिवल को सुरक्षा में ढील बरतने के लिए सेनापति के पद से हटाकर जमाल को सेनापति बना दिया। किले की सुरक्षा के लिए जमाल ने उल्टी सीधी तरकीबें लगाई। उसने कहा कि उसके मुंह जैसा ही एक स्टैचू किले की एंट्रेंस पे बना दो, डर के मारे दुश्मन अंदर ही नहीं आएंगे, पैंट गीली हो जाएगी उनकी। अगले दिन वो राजा के साथ एक किसान के घर गया, जिस पर इल्जाम लगा था राजमहल के बाग से एक शलगम चुराने का। किसान ने बताया कि ये सब उसने अपने भूखे परिवार का पेट भरने के लिए किया, लेकिन इसके बावजूद राजा ने इतनी छोटी चीज के लिए उसका सर धड़ से अलग कर देने का हुक्म दिया। और क्योंकि अब जमाल ही सेनापति है तो ये सब उसकी देखरेख में ही होगा।
राजा के जाने के बाद उसने किसान को कुछ पैसे देकर कहा, बेटा देख तू भाग जाए यहाँ से, तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे, पागल आदमी है, शलगम के पीछे आदमियों को मार रहा है, बेवकूफ है ये राजा। रात को वो विक्टोरिया से मिला, जो उसे अपने साथ मिलकर राजा को गद्दी से हटाने में उनकी मदद करने को कहती है। लेकिन जमाल ने ये सोचकर मना कर दिया कि जब राजा शलगम के पीछे सर कटवा रहा है तो उसे मारने की साजिश करने वालों के साथ क्या करेगा। विक्टोरिया उसे बुजदिल कहकर वहां से चली गई। आधी रात को एक औरत जमाल के कमरे में आई और उसे लगा कि ये विक्टोरिया है, तो उसने उसे कुछ करने से रोका भी नहीं। अगली सुबह नॉर्मंडी से आने वाला असली मिनिस्टर वहां पहुंच गया। राजा समझ गया कि जमाल ने उसके साथ फरेब किया है। वो सेनापति और फ्रांस से आए असली मिनिस्टर के साथ जमाल के कमरे में पहुंचा, जहां वो राजकुमारी के साथ सो रहा था। राजकुमारी को ऐसी हालत में देख नॉर्मंडी से आए उस राजदूत ने शादी कैंसिल कर दी। राजा ने जमाल को उसे मारने की कोशिश करने वाले दोनों अपराधियों के साथ काल कोठरी में बंद कर दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने जमाल को लेजेंडरी ब्लैक नाइट की कहानी सुनाई, जिसने एक खतरनाक ड्रैगन को मारकर मुंह से आग उगलने की ताकत को हासिल किया था। अगले दिन उन सबको एग्जीक्यूशन के लिए सबके सामने लाया गया। अपनी गर्दन बचाने के लिए जमाल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो भविष्य से आया हुआ एक जादूगर है और अगर उसे खरोंच भी आई तो वो सबको जलाकर राख कर देगा। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने लाइटर जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जला ही नहीं। जब उसका सर कटने ही वाला था तभी अचानक जल्लाद के गले में सेब का एक टुकड़ा फंस गया। सबको लगा कि जमाल ने उस पर कोई जादू किया है। जमाल भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा कि अगर उसे मारने की कोशिश की तो वो उन सबका भी यही हाल करेगा। अचानक वहाँ आग भी लग गई, जिससे लोगों को उसकी शक्तियों पर पूरा भरोसा हो गया। असल में बागियों का एक गुट अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए किले के बाहर से जलते हुए तीर मार रहा था। विक्टोरिया की मदद से वो तीनों सही सलामत वहां से निकल गए। जमाल फिर से नोल्टे नाम के उस शराबी से मिला। पता चला कि वो राज्य के सबसे महान योद्धाओं में से एक है, लेकिन जब राजा ने धोखे से उनकी पुरानी रानी को सिंहासन से हटाया तो उसने नोल्टे को भी बेइज्जत करके महल से निकाल दिया, क्योंकि वो रानी के लिए वफादार था। इस सब के बाद वो दिन रात शराब पीकर नशे में धुत रहने लगा, लेकिन सबको उम्मीद थी कि उसके अंदर का योद्धा अभी भी जिंदा है। बागियों के साथ समय बिताकर जमाल भी उनकी मदद करने को राजी हो गया। एक दिन जंगल में जमाल ने तीन लोगों को नोल्टे को बिना बात परेशान करते हुए देखा। जब जमाल ने उन्हें रोकना चाहा तो वो उसी पर टूट पड़े। उसे अपने लिए लड़ता देख नोल्टे का सोया हुआ ईमान जागा और उसने अकेले ही उन तीनों को धूल चटा दी। जब वो दोनों वापस बागियों के अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सेनापति पर्सिवल सैनिकों के साथ आकर सब कुछ बर्बाद करके चला गया। यहाँ तक कि वो विक्टोरिया को भी अपने साथ ले गए। सभी लोग हिम्मत हार चुके थे, लेकिन तभी उनकी पुरानी रानी उनके सामने आई। उसने बताया कि वो काफी समय से उनके बीच रह रही है और उन्हें एक साथ मिलकर राजा के खिलाफ लड़ना होगा। अगले कुछ दिनों तक जमाल ने उन्हें ट्रेन किया और WWE और अमेरिकन फुटबॉल के पैंतरे भी सिखाए। कर क्या रहे हैं ये लोग, भाई साहब तलवारें हैं उनके पास, कबड्डी का मैच नहीं है। आखिरकार हमले का दिन आ गया। नोल्टे के नेतृत्व में बागियों ने किले पर हमला बोल दिया, लेकिन जल्द ही सैनिकों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया और वो कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ लेजेंडरी ब्लैक नाइट आ पहुंचा। उसे देखकर सभी सिपाही पीछे हटने लगे। वो अपने मुंह से आग फेंक रहा था। सभी को लगा कि अब तो उनकी जीत पक्की, लेकिन तभी वो ब्लैक नाइट अपने घोड़े से गिर पड़ा। हेलमेट उतरा तो पता चला कि ये कोई ब्लैक नाइट नहीं, जमाल है। न जाने कैसे, लेकिन जमाल के सिखाए पैंतरे काम कर रहे थे। दूसरी ओर पर्सिवल ने घबराए हुए राजा को धक्का देकर किले से नीचे फेंक दिया। अब वो खुद ही राजा बनना चाहता था। उसने नोल्टे को भी तीर मारकर घायल कर दिया। विक्टोरिया की आवाज सुनकर जब जमाल उसे बचाने पहुंचा तो उसके और पर्सिवल के बीच लड़ाई छिड़ गई। हैरानी की बात तो ये थी कि जमाल उस पर भारी पड़ रहा था। नोल्टे के सिखाए पैंतरों से जमाल ने पर्सिवल को हरा दिया। जब वो विक्टोरिया के बंधे हाथ खोल रहा था तो पीछे से पर्सिवल चुपके से उसकी ओर बढ़ा, पर इससे पहले कि वो जमाल पर हमला करता नोल्टे ने एक तीर उसके शरीर के पार कर दिया। आखिर में बागियों की जीत हुई और जमाल सबका हीरो बन गया। वो समझ गया था कि उसका काम यहाँ पूरा हो चुका है। उसने सबको अलविदा कहा और अचानक उसकी आंखें 21वीं सदी में खुली। एक नर्स ने उसे बताया कि वो गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया था, लेकिन जमाल को इस बात पर पूरा भरोसा था कि जो उसने देखा वो सपना तो नहीं था। और क्योंकि अब वो मेडिवल पीरियड के बारे में सब कुछ जानता था तो उसने अपनी बॉस को थीम पार्क को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए। जल्द ही उनका वो थीम पार्क पहले से भी ज्यादा चलने लगा। एक दिन उसे वहाँ निकोल नाम की एक लड़की मिली जो हूबहू विक्टोरिया की तरह दिखती थी। निकोल को भी वो कुछ जाना पहचाना सा लगा।
वो उसे जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी जमाल की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही थी। चलो इसका भी घर बस जाएगा। तो अगर तुम बिना बिजली, फोन और इंटरनेट के 13वीं सदी में फंस जाओ तो तुम क्या करोगे, और ऐसी कौन सी मॉडर्न चीज है जिसके बिना तुम रह ही नहीं सकते? कमेंट्स में जरूर बताना।